तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, तुम्हें लड़ाई लड़ोगी और मैं चाहे गोरखपुर में रहूं या फिर ना रहूं, लेकिन मैं हमेशा हूं तुम्हारे साथ, हमेशा। भी मुझे जाना होगा कि मेरी दादी सास भी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन जब भी तुम्हारा दिल करे मुझसे बात करने का या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज बेझिझक कॉल करना, मैं जल्दी आ जाऊंगी तुम्हारे पास। सब आप इतनी रात में यहाँ? बेटा, हमें पता चला कि तुम जा रही हो तो हमने सोचा कि तुमसे मिल लें। नियति बेटा, तुम तो जानती हो कि पुलिस विभाग के इतने सालों की नौकरी में हमने हमेशा तथ्यों को ऊपर रखा और हमेशा उस धुंधलके को साफ करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से कई बार सत्य पर पर्दा पड़ा या फिर झूठ को महिमा मंडित होने का सौभाग्य मिला। और जब यह धुंधलका हमारे परिवार पर छाया तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का एहसास हो रहा है। हम खुद चाहते हैं कि गुनहगार को सजा मिले, लेकिन इस सजा दिलाने की मुहिम में कहीं ऐसा ना हो कि कोई बेगुनाह पिस जाए। सर, मैं समझ सकती हूँ और मैं भी कभी नहीं चाहूंगी कि झूठ महिमा मंडित हो या फिर सच पर पर्दा डाला जाए, लेकिन सर अगर सारे फैक्ट्स और सबूत चिल्लाकर कुछ कह रहे हो तो हम उसे अनसुना तो नहीं कर सकते ना? हम भी यही चाहते हैं, लेकिन अपने आप को समझा नहीं पा रहे नियति। बड़े बेचैनी है कि हमारे परिवार का सत्य इतना विकृत हो गया है। सर, आज तक आपकी सच्चाई और ईमानदारी का अनुसरण करते हुए मैं अपनी ड्यूटी करती आई हूँ। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपने अपने उसूलों से इस पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारी परछाइयाँ निर्मित की हैं। एंड आई फील सो लकी कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। चलती हूँ सर। बहू, हम तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं बेटा, ये जो कुछ भी हुआ है, अगर वो हादसा नहीं और तुम्हें जान से मारने की साजिश है तो जिसने भी अपराध किया है उसे माफ नहीं किया जाएगा बेटा। ये तुम्हारे बाबू जी का वादा है और तुम क्या कहें, शादी के बाद हर कदम पर तुम्हारे सामने मुसीबतें आई, लेकिन तुमने हमेशा अपनी सूझबूझ और उदारता का परिचय दिया, जिसमें हमारे बच्चे ओछे साबित हुए। एक पिता को अपनी बेटियों से जो उम्मीदें होती हैं वो हमें तुमसे पूरी होती हुई दिखाई पड़ी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बेटा कि अगले जन्म हम बेटियों के ही बाप बने और हमारी बेटियां
बिल्कुल तुम्हारे जैसी हूं। मिस्टर सिंह प्लीज, गेस्ट अलाउड नहीं है। माफी चाहता हूं डॉक्टर, एक सेकेंड। अभी तो हम जा रहे हैं बेटा, लेकिन इस न्याय की चक्की में चाहे जितने रिश्ते दंडित हो रहे हों, लेकिन तुम्हारे भावजी और तुम्हारे रिश्ते में रत्ती भर भी फर्क नहीं आएगा बेटा। सॉरी डॉक्टर। प्रोफेसर साहब, अब खाने का मन बना लीजिए, हम रोटी गर्मा खिलाते हैं। मेरे सामने आप एक और खा के दिखाइए, मैं भी खा लूंगा। आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप खाना खा लीजिए, और ऊपर वाला है ना, सब ठीक कर देगा। क्या ठीक कर देगा गोमती जी, ठीक करने के लिए बचाए क्या है बताइए आप, और इस तरह कब तक अपने मन को झूठी दिलासा देती रहेंगे। सच कहूं तो मुझे तो अब लगने लगा है कि ऊपर वाले ने सारे दुनिया के दुखों की गठरी हमारे घर पे ही खोली है। कमाल करते हैं प्रोफेसर साहब, आप कब से इतनी निराशाजनक बातें करने लगे? अरे आपने तो आशा और उम्मीद से डायरियां भरी हैं, और आपने हमारी सिया को भी यही सिखाया है। इस हादसे का दुख हमें भी है, पर हम सबको तो खुश होना चाहिए कि इस हादसे से हमारी सिया बच गई। बच गई? सिया की जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है गोमती जी, ये रिश्ता अब अंतिम सांसें गिन रहा है, बाकी रह गया है तो सिर्फ सिर्फ सिया का अपने मायके वापस आना। गोमती जी, कानून इस हादसे के लिए चाहे किसी को भी दोषी करार दे, लेकिन सच हमें पता है, हम हैं इसके दोषी, हमने ही अपनी बच्ची को इस नरक में धकेला है। आप लोगों ने कोई गलती नहीं की है। आप ही बताइए आखिर इस परिवार में क्या कमी है? अरे दो और बहुएं हैं जो ठीक से रह रही हैं, और जहां चार बर्तन होते हैं खड़खड़ाएंगे ही। सब घर की यही कहानी है। सब घर की यही कहानी, सब घर में बहुओं को जलाया जाता है। पत्थर का कलेजा है हमारा, एक नाम सोच के हमें बताइए जो दिवाली के शुभ दिन पर इतना अशुभ सोचे और करे। तुमसे मना किए थे ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे उचूला छूने की? सासु माँ, वो हम सबके लिए नाश्ता बना रहे। अरे छुटकी बहू, ठान के बैठी हो ना कि सबका नाश करके ही दम लोगी? अरे क्या बिगाड़ा है मेरे पति ने तुम्हारा, जो उन्हें चोर साबित करने पर तुली हो? दीदी कैसी बातें कर रही है? मान गए हम तो तुम्हें, 1.5 लाख की चोरी खुद ने की, और इल्जाम मर दिया हमारे मनन जी के मत थे।
यही खातिर कह रहे हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके हमारे घर से बाहर निकालिए। इस घर में हत्या की कोशिश हुई है और ये बात तो आपके बाबूजी भी मानते हैं। बताइए फटाक से, दिवाली की रात कहाँ विराजमान थी? तीजा, बोलो, बताओ, घर पर ही थी ना तू? अरे बोलो तीजा, दिवाली की रात में कोई कहाँ जाएगा? बताओ इनको घर पर थी? अरे अरे बस बस कीजिए, जवाब में जवाब मिलाकर मत पूछिए। कुछ पूछ रहे हैं हम? अरे बताओ तीजा, घर में बोलो। जी वो हम अपने दोस्तों के साथ थे। दोस्तों के साथ? का? मैंने तुम घर से बाहर थे। तीजा तुम किस दोस्त के साथ थी? रोमांचक के साथ थी। रोमांचक? रोमांचक अभी शर्मा कौन? ये कहाँ बता रही हो तीजा? मतलब तुम लड़के के साथ? भैया भैया प्लीज भैया मान जाइए। हटिए आप लोग, सारी नैतिक शिक्षा अब ये पढ़ा देंगे क्या? हमें अपनी कार्रवाई पूरी करने दीजिए। इंस्पेक्टर एक मिनट, जरा हम इनसे बतिया लें। ए, घर में कभी कौनो किसी को बिना बताए रात में बाहर नहीं रहा है, और तुम दिवाली की रात सबकी नाक के नीचे से उस लौंडे के साथ एक थप्पड़ मारेंगे ना? या प्लीज, आप इनसे बाद में निपटेगा, पहले हमें अपनी छानबीन पूरी करने दीजिए। भैया आप चलिए यहाँ से, हम बाद में बात करते हैं ना तीजा से, आप चलिए चलिए ना भैया। फोन लगाइए अपने पुरुष मित्र को, लगाइए। आपने जिस उपभोक्ता को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। फोन तो बंद है उसका। ये प्यार के पंछी लोगों की धड़कन बंद हो सकती है, मोबाइल बंद नहीं होता। मोबाइल में तो अनलिमिटेड पैक डला के रखते हैं ये लोग। ऐसा करता क्या है आपका ये पुरुष मित्र? मुझे नहीं पता। सिंह जाओ और उसे कंधे पे डालकर लेके आओ, पता ठिकाना ये मैडम बताएंगी। बताइए कहाँ रहता है वो? लेकिन हमें उसका पता नहीं पता है, हम केवल उसका नंबर और नाम जानते हैं। कमाल है, पता ही नहीं पता और सब कुछ पता है। वैसे मैडम हम आपको ये बता दें कि आप सच बोल रही हैं या झूठ ये हम नहीं जानते, लेकिन आप शक के दायरे में आ गई हैं। डॉक्टर साहब हमें मरीज का बयान लेना है। सॉरी इंस्पेक्टर, मरीज अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो बयान दे सके, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मरीज को होश तो आ गया ना? जी हाँ होश तो आ गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ऐसी कंडीशन में आप बयान नहीं ले सकते, प्लीज़ आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब डॉक्टर क्या मैं अपनी पत्नी से थोड़ी देर के लिए मिल सकता हूँ? प्लीज़ मुझे उनसे कुछ देर बात करने दीजिए। नहीं मिल सकते। सिया के ससुराल से कोई नहीं मिलेगा उससे। महाराज तुम होते कौन हो ये बात हमारे छोटे भाई से बोलने वाले?
भाई हूं उसका, जिसे आपके घर में जान से मारने की कोशिश हुई है। समझते हैं आप? भाई है ना? नहीं भाई साहब, एक बात ना कान खोल करके सुन लो, ये छुटकी दुल्हन को मारने की कोशिश हुई है ये बात तो साबित हो गया, पर मारने की कोशिश किसने की है ये बात अभी तक साबित हो नहीं हुआ है, तो चिल्लाओ कम। बलबल भाई साहब, मारने की कोशिश तो आपके घर में ही हुई है ना, तो जाहिर सी बात है कि घर का ही कोई होगा, बाहर से तो कोई आया नहीं होगा। जल्दी ही पता चल जाएगा कि किसने किया है ये। ये पता चल गया है कि सिया को मारने की कोशिश हुई है, और बहुत जल्द ये भी पता चल जाएगा कि ये कोशिश की किसने है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस खबर को दिखाइए, गोरखपुर की जनता की आंख खुलना जरूरी है। क्या हो रहा है सब? देखिए परिसर में ये सब अलाउड नहीं है, मीडिया के लोग कृपया बाहर जाइए, ये हॉस्पिटल है। सीतेश्वर जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बात। जैसा कि सिद्धेश्वरी जी ने बताया बिल्कुल सही है, बहुत अत्याचार हुआ है सिया जी को। एक दुल्हन को शादी से चंद महीने बाद ससुराल में अगर जान से मारने की कोशिश की जाए तो बड़ी शर्म की बात है, हमारी देश की जागरूकता पर सवाल है। देखिए ये तो तय है कि सिया को मारने की कोशिश तो उसके ससुराल वालों ने ही की है, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है, और ना ही उसके ससुराल वालों की बदसलूकी कम हुई। आप तो सिया जी के पिता है, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये क्या भीड़ लगा रखी है आप लोगों ने? ये गोलघर का चौराहा नहीं जहां आप लोग नारे लगाएंगे, ये हॉस्पिटल है, प्लीज यहां पर हंगामा मत कीजिए। क्या मैं एक बार सिया जी से मिल सकता हूं? सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलने दीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब, सिया के ससुराल से अब किसी को भी मैं उससे मिलने नहीं दूंगा, क्योंकि अब हमें इन पर जरा भी भरोसा नहीं। देखिए ये आप लोग तय नहीं करेंगे, ये मरीज तय करेगा कि उसको किससे मिलना है और किससे नहीं। फिलहाल पहले तो पुलिस बयान लेगी, हाँ उसके बाद सिर्फ एक गेस्ट अंदर आ सकता है। सिया जी, सिया जी, आपके मायके और ससुराल वाले सब आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हम सबको मिलने की अनुमति नहीं दे सकते। फिलहाल एक ही गेस्ट आपसे मिल सकता है, और वो भी वो जिससे आप मिलना चाहें। पुलिस और मीडिया दोनों हमारे खिलाफ है कप्तान साहब, ऐसे में यहाँ रुकने से बात बिगड़ सकती है। मीडिया के अटपटे सवालों के जवाब देने हो। आप ठीक कह रही हैं मलकिन, अभी हमें घर चलना चाहिए, घर जाकर देखेंगे कि आगे क्या करना है। आइए पीछे वाले दरवाजे से निकलते हैं। नौलखा जी, आपकी बहू आपको बुला रहे, फिलहाल वो आपसे ही मिलना चाहते। मैं भी सिया जी से मिलना चाहता हूँ। सॉरी समर, आईसीयू में सिर्फ एक गेस्ट अलाउड है। नौलखा जी आप अंदर जाइए।